लक्सर की रेलवे कॉलोनी बाढ़ में जलमग्न हो चुकी है और जिस कारण रेलवे कॉलोनी वासी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कई दिनों से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हालांकि रेलवे आवासों की हालत बाढ़ के से पूर्व ही बेहद जर्जर चल रही थी, मगर पीड़ित रेलवे कॉलोनी वासियों द्वारा लक्सर रेलवे स्टेशन पर निरीक्षण करने पहुंचे एडीआरएम का घेराव किया गया, जिस कारण घंटों तक हंगामा जारी रहा। रेलवे कॉलोनी वासी सैकड़ों की संख्या में रेलवे स्टेशन पर एकत्र होकर एडीआरएम से जर्जर बाढ़ग्रस्त रेलवे आवासों की स्थिति को दिखाने की जिद पर अड़े रहे और घंटों तक हंगामा चला। सबसे बड़ी शिकायत यह है कि पहली बात तो हमारे जो रेलवे क्वार्टर थे वो भी सिक्योर नहीं है, वहाँ पे प्राइवेट का इतना आना जाना रहता है, आए दिन घरों में चोरियां होती है। सबसे पहले तो रेलवे कॉलोनी को इस तरीके से करा जाए कि सिर्फ वहाँ पे रेलवे के ही कर्मचारी रहे, अगर कोई बाहर का पर्सन आता है या तो कुछ वहाँ पे गेट वगैरह कुछ उसको सिक्योर किया जाए, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है, वहाँ पे अगर घर भी है तो उनके दरवाजे ऐसी कंडीशन में है, वो भी टूटे हुए हैं। अगर IW के एप्लीकेशन देते तो वो भी कोई सुनते नहीं है कि हमारे पास आदमी नहीं है। घरों में नाग सांप ऐसे निकल के आते हैं, इतनी ज्यादा भांग होती है, इतनी ज्यादा घास होती है, उन्हें कोई काटने वाला नहीं। हमेशा पहले मच्छरों के लिए दवाइयां छिड़की जाती थी, अब वो भी नहीं छिड़काव किया जा रहा है। वो चल रहा है।